और देखिए मेरे सहयोगी मनोज पांडे मेरे साथ बने हुए हैं और राजीव रंजन भी मेरे साथ मौजूद हैं, ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पहले आपके पास आ रही हूँ। प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक बुला ली है, लेकिन इस वक्त घटनास्थल पर क्या चल रहा है, किस तरह से राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई गई है? मनोज, जी पूजा, देखे कि यहाँ पे देर रात से ही जब घटना हुआ है वहाँ पे गांव वाले सबसे पहले पहुंचे हैं। गांव वालों ने जिस तरह की आवाज सुनी उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, आरपीएफ के जो थे फायर ब्रिगेड के सारे यहाँ पे आला अधिकारी, फायर ब्रिगेड के जवान पहुंचे हैं। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे रेस्क्यू काम को तेज गति से किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो मौतों की संख्या है, करीब सुबह जब हम लोग इस आंकड़ा का जा रहे हैं तो 207 हुआ था, अब 238 आंकड़ा पहुंच चुका है और करीबन दर्जन ऐसे डेड बॉडी है जो हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। किसी का सर दिखाई दे रहा है तो किसी का पैर दिखा रहा है और करीब हजारों की संख्या में ज्यादा जो लोग हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और अपने जिंदगी से जूझ रहे हैं। और हमारे साथ में देखे कि घटनास्थल पे जिस तरह से देखे कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे थे और यहाँ उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी घटनास्थल का दौरा किए हैं और हमारे साथ में कुछ चश्मदीद जो लोग हैं जिन्होंने बड़ी अपनी जान पे यहाँ पे खेलकर किस तरह से लोगों को बचाया है और आप बीती खुद ही बताएंगे। दादा क्या कहेंगे? मेरा नाम है कुशपाड़ी, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। अपना जाए ये एक्सीडेंट यहाँ वहाँ, ये बाहन का है, बाहन का स्टेशन है। कल शाम को 6:30 बजे तो एक्सीडेंट हुआ है तो हमको आवाज आया, हम लोग दुकान बंद कर दौड़ के देखा था तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें देखा तो कोई आदमी बाहर निकल कर पड़ा है, कोई दबा हुआ है, कभी किसका सिर नहीं है, किसका हाथ नहीं है, किसका पैर नहीं है। तो हम लोग मिलके, बहुत आदमी मिलके इसको धीरे धीरे से निकाला है। प्रशासन के लोग कितनी देर में आए थे आप लोगों के पहुंचने के बाद? गांव वाले तो सबसे पहले पहुंचे थे आप लोग? प्रशासन का 1 घंटे के बाद आया है। तो हम लोग बहुत रात को 3 बजे तक निकाला है। कोई किसको पानी देता है, कोई किसको बिस्कुट देता है, सबको निकाला। जितना हमारा से हो गया हम उतना निकले। देखिए साफ तौर पे हमारे जो साथ में चश्मदीद है इन्होंने बकायदा लगातार प्रयास किया और अभी देखे कि इतनी धूप है और सिर्फ हमारे पीछे देख सकते हैं कि एम्बुलेंस की जो आवाजें हैं, गड़गड़ाहट हो रही है एम्बुलेंस की। करीबन सैकड़ों से ज्यादा एम्बुलेंस लगातार यहां से जो घायल थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, 100 से ज्यादा जो एम्बुलेंस थे और करीब यहां पे डेड बॉडियों की जो संख्या है लगातार बढ़ते जा रही है क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे थे अभी भी काफी ऐसे दबे हुए हैं। और ये सबसे बड़ा हादसा देखिए इस तरह का माना जा रहा है क्योंकि देखिए इसके पहले 6 जून 1981 में जिस तरह से वहां पे पुल पे एक हादसा हुआ था, उसमें एक गाय जा रही थी उस ट्रेन पे ट्रैक किया गया था। तो लेकिन इस बार जैसे इस तरह का हादसा हुआ है क्योंकि देखिए जो शालीमार एक्सप्रेस थी और बकायदा अपने कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां से शालीमार से चली थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस था और यहां पे बालासुर के पास पहुंची थी, मालगाड़ी उसी ट्रैक पे खड़ा था और इतना जबरदस्त का हादसा था, अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बूगी थी जो इंजन का था वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया है। किस तरह से ट्रैक चित्रा बितरा हुआ है और इसको लेकर लगातार यहां वाले प्रयास कर रहे हैं, इस समय राहत बचाव जोरों पे चला जा रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि जो मौत का आंकड़ा है बढ़ते जा रहा है क्योंकि जो लोग घायल है घायलों की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। और देखे क्योंकि इसमें पश्चिम बंगाल से कोलकाता से ज्यादा लोग चले थे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल ही उन्होंने वहां पे जिस तरह से हावड़ा में हेल्पलाइन जारी किया गया, शालीमार का हेल्पलाइन जारी किया, बालासुर का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और एक 6 जो सदस्यों की टीम यहां पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भेजे थे लगातार वो यहां से लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि देखिए पूजा कि जो लोग मौत हुई है जिनकी मौत को आखिर कैसे पहचान पाएंगे? किसी का सर है तो किसी का पैर नहीं है, किसी का चेहरा अलग है, धड़ है, ऐसे ऐसे कई चीजों को जुटा जुटा के क्या